नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर अनरेड। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया छात्रों के लिए महत्वपूर्ण फैसला। प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर निकला मोहर्रम का जुलूस। 70 साल बाद भी ग्राम कायस्थ का हाल जस का तस। नर्मदा क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित। नीट जेईई मेन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सीएम शिवराज ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। शिवराज ने कहा कि परीक्षा केंद्र तक छात्रों के आने जाने का निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी और परीक्षार्थियों को 181 और मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क करना होगा और रजिस्टर भी करना होगा। साथ ही शिवराज ने कहा कि परीक्षा में एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी और यह सुविधा जिला प्रशासन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएगा। आइए जानते हैं सीएम शिवराज ने और क्या कहा। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, यदि आप जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, आज कोरोना महामारी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला हमने आपके लिए किया है। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 1@1 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। संबंधित जिला प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं, वो परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क ले जा सकेंगे। ये निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था परीक्षा देने आने के लिए भी होगी और वहां से वापस जाने के लिए भी होगी, लेकिन विद्यार्थी को यह सुविधा विकासखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय से मिलेगी। वहां से परीक्षार्थी यदि किसी गांव में रहता है तो अपने गांव से उसको विकासखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय आना पड़ेगा, वहां से उसके लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था होगी। मेरे बेटे बेटियों को असुविधा ना हो और वो ठीक से सुविधा सहित परीक्षा दे सकें, इसलिए व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उठाएं, ठीक से परीक्षा दें और सफल हो, मेरी शुभकामनाएं। कोरोना के बढ़ते क्रम में प्रदेश सरकार के मुहर्रम को अपने घरों में ही मनाने के आदेश दिए थे, लेकिन पटेरवा थाना क्षेत्र के खेरटिया ग्राम सभा में मुहर्रम के दिन सैकड़ों की संख्या में युवकों ने ढोल ताशा बजाते हुए गांव में जुलूस निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये पूरा क्षेत्र चर्चा का विषय बन गया। जैसे ही जानकारी पटेरवा पुलिस को लगी तो पुलिस ने आनन फानन में गांव पहुंचकर इस जुलूस में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर प्रशांत कुमार पासवान की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव गोहरा आलमगीपुर में करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी, जहां पर 144 लगा होने के बावजूद भी बिना परमिशन करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने समारोह किया।
ढोल नगाड़े बजाते हुए स्वागत भी किया, जिसमें कई मात्रा में ग्रामीण इकट्ठा हुए। समारोह में आए लोगों ने तो ना मास्क पहने थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखा था, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है। चार पाँच छः टीचर, चार से पाँच छः लाख तक का उनका एक स्कूल का खर्चा है मनरेगा से अलग जी। दूसरी तरफ उसमें पढ़ाने को कोई भी साधारण आदमी तैयार नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर उसी स्कूल में विधायक का बेटा पढ़े और उसी स्कूल में डीएम का बेटा पढ़े तो उन स्कूलों में सुधार होगा और हम पे दोहरी मार नहीं बढ़ेगी। अब उधर तो कोई जाने को तैयार नहीं है, पाँच से छः लाख का खर्चा बेकार जा रहा प्राइवेट स्कूलों में। हम अपने बच्चों को गरीब किसान मजदूर अपने बाहर आवाज बन के और वो बाहर पढ़ा रहे हैं तो ये बेकार दोहरी मार पड़ गई। प्राइवेट में पढ़ा रहे इधर हमारी जनता का पैसा है, जो हम टीचरों को पाँच लाख या छः लाख रुपये दे रहे हैं जनता का पैसा। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जहां हर दिन यह देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर एक ऐसा गांव है जो विकास की परिभाषा ही नहीं जानता। जी हां, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के तराना तहसील के गांव कायथा की। कायथा में शासकीय अस्पताल में अस्पताल तो है लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं है। विगत 10 वर्षों से शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनकर तैयार है। इस बिल्डिंग में ना तो किसी प्रकार की मशीन है और ना ही डिलीवरी टाइप की कुछ व्यवस्था है। यह मरीजों के लिए मामूली इलाज करने के लिए भी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल में सिर्फ बुखार आने पर आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, लेकिन जब किसी को गंभीर चोट लग जाती है या फिर कोई अन्य समस्या हो जाती है तो मरीज और मरीज का परिजन दर तक भटकने को मजबूर हो जाता है, जिसके कारण गांव की ही एक महिला की डिलीवरी कराने के लिए परिजनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। गांव से दूसरे गांव ले जा रहे थे जहां गांव को भी पार करने के रास्ते में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसके बावजूद भी परिजनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर गांव पार किया। महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब देखना यह है कि इसके बाद प्रशासन ग्रामीणों की समस्या कितनी जल्दी हल करने के लिए कुछ निर्णय लेता है। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। खातेगांव तहसील के नेमावर मंडल के अंतर्गत नर्मदा क्षेत्र के कई गांव तेज बारिश के चलते जलमग्न हो चुके हैं। घरों और खेतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने विधायक आशीष शर्मा के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन पटेल, पटवारी महेंद्र मंडलोई, सरपंच महेंद्र पवार और भाजपा मंडल महामंत्री अल्केश पवार ने किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में 90% नुकसान हो चुका है। ज्यादा बारिश होने के कारण नर्मदा जी पानी गाँव में घुसा, घरों में फसल रखी थी वो नष्ट हो चुकी है, काफ़ी नुकसान हुआ है, किसी का घर टूटा, किसी का सामान बहा और नर्मदा जी का पानी ज़्यादा तेज बहाव से। आपके गांव में कितना नुकसान हुआ है? ग्राम चिचली में 90% के लगभग हुआ और नर्मदा क्षेत्र से लगे गांवों में काफ़ी नुकसान हुआ है। बोला हाँ। क्या समस्या है आपकी? अरे यहाँ पानी भरा का भैया वो पूर्व पास का बहुत ज़्यादा सब मकान फकान उजड़ गया है, गिर गया है। गाँव में भी समस्या है, कोई का मकान टूट गया, कोई का नुकसान हो गया है। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे? हाँ, पटवारी साहब आया था। खाते गांव से अरुण पवार की रिपोर्ट। आपके गांव में कितना नुकसान हुआ है? ग्राम चिचली में। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100 जनता की बुलंद आवाज।